स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास फोर्थ सब्जेक्ट जीके। आज का हमारा टॉपिक है मीट द मैमल्स। मैमल्स कैसे मीट करते हैं? मैमल्स में बैकबोन्स होती हैं, उनकी बॉडीज में हेयर और फर होती हैं। न्यू बॉर्न बेबी मैमल्स अपनी मदर के मिल्क से फूड को लेते हैं। तो कुछ हमारे दिए हुए हैं मेंबर्स, उसको हम रीड करते हैं जो पेज नंबर 13 पे है। द ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट क्रिएचर दैट हैज एवर लिव्ड। इट कैन ग्रो अप टू 100 फीट एंड वेट अप टू अ टन। ब्लू व्हेल बिगेस्ट क्रिएचर में लीव करता है, यह 100 फीट तक ग्रो कर सकता है और उसका वेट 1 टन तक होता है। सेकेंड, द स्लॉथ मूव्स अबाउट 1/2 माइल अ डे। इट स्पेंड्स इट्स इंटायर लाइफ हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम अ ट्री एंड ग्रेजिंग ऑन लीव्स। स्लॉथ 1 डे में लगभग 1/2 माइल तक मूव करता है। यह अपना पूरा लाइफ एक ट्री से हमेशा उल्टा लटका रहता है और वह लीव्स पर ग्रेजिंग करता है। थर्ड, द कंगारू क्लीन लीप अप टू 30 फीट इन 1 बाउंड। कंगारू एक सीमा में 30 फीट तक छलांग लगा सकता है। द पिग्मी स्क्रू इज लेस देन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज एन ईटिंग मशीन। ही मस्ट ईट रेगुलरली टू सर्वाइव। ही डाइट कंसिस्ट of insect and insect larvae. Pygmy shrub 5 सेंटीमीटर से भी लॉन्ग है और वह ईटिंग मशीन है। इसे सर्वाइव करने के लिए रेगुलरली ईटिंग करने की आवश्यकता होती है। इसका जो डाइट होता है वह इंसेक्ट और इंसेक्ट कीट पर डिपेंड होता है। वह इंसेक्ट और इंसेक्ट लार्वे जो है वो ईट करता है। 5. द एडल्ट मेल जिराफ इज 18 फीट और 3 times द हाइट ऑफ अ टॉल ह्यूमन मेल। इट इज ओनली एनिमल दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। मेल जिराफ 18 फीट तक होता है। टॉल ह्यूमन मेल की हाइट से 3 गुना ज़्यादा होता है और इसकी कोई साउंड रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होता है। इट मीन्स यह कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं करता है। और कुछ हमारे मेमर्स दिए हुए हैं, फैक्ट दिए हुए हैं, उन्हें हम रीड करते हैं। फर्स्ट, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स इज फॉक्सेस। इट हैज इनॉर्मस बैट लाइक ईयर्स दैट रिलीज बॉडी हीट एंड कीप्स इट कूल। तो ये कौन से मेमर्स हैं हमारे? जो वर्ल्ड के सभी फॉक्सेस में सबसे स्मॉलेस्ट हैं और इसे बहुत लॉन्ग बैट्स लाइक ईयर्स होते हैं इसमें, जो बॉडी की हीट को रिलीज करते हैं और इसे कूल रखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फेनिक्स, FENNEC, फेनिक्स एनिमल्स। सेकेंड, द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ व्हेल। इट इज ऑल्सो नोन एज द वाइट व्हेल। व्हेल की सबसे छोटी स्पीसीज इसे वाइट व्हेल के रूप में भी जाना जाता है। तो सेकेंड है बेलुगा, BELUGA। थर्ड, अ लार्ज रोटेन फेमस फॉर द स्मार्टली डिजाइन हाउस नो एज द लॉज दैट इट बिल्ड्स अलॉन्ग विद द मेम्बर्स ऑफ इट्स फैमिली। यह एक बहुत फेमस रोडेंट है जो स्मार्टली डिजाइन की गई हाउस के रूप में जाना जाता है, जिसे लॉज के रूप में भी हम जानते हैं कि वह अपनी फैमिली के मेम्बर्स के साथ जो हाउस बनाता है। तो थर्ड एनिमल्स है हमारा बीवर, BEAVER। फोर्थ, दिस
Splendid swimmer spends most of its time diving and swimming in the icy water of the North Atlantic Ocean and Arctic Ocean. यह बहुत splendid swimmer North Atlantic Ocean और Arctic Ocean के ice water में diving और swimming करता है। ये animals है हमारा हार्प शेल। यह अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के आइस वाटर में डाइविंग और स्विमिंग करता है। एच ए आर पी हार्प शेल एस ई ए आर सॉरी एस ई ए एल। ऐसे ही आप टॉपिक को मीट द मेंबर्स को रीड करेंगे और अपनी बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। आज की हमारी क्लास ओवर हो रही है। थैंक यू।